हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। सो हाउ टू रैप इन हिंदी के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में कि वो रैप बीट्स के ऊपर अपने वोकल्स को परफॉर्म नहीं कर पाते और कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स कि वो अपने लिरिक्स नहीं लिख पा रहे हैं। सो इस इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को लेने के लिए जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, रेड बटन पे क्लिक मार के यार सब्सक्राइब कर दो यार, इतना नखरा पसंद नहीं। सो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह की मैं वीडियोस लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं रैप बीट्स के बारे में और थोड़ी से लिरिक्स के बारे में। यार मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोगों को यार प्रॉब्लम क्या है, उसको समझ क्यों नहीं पा रहे हो अपने लिरिक्स को, क्योंकि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं और फिर भी यही प्रॉब्लम्स आ रही है कि मैं रैप बीट्स के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे लिरिक्स नहीं बन रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है? कहीं आप ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो और अपने टाइम को नहीं दे रहे हो? क्योंकि यार मैंने बताया इसके अंदर मेहनत लगेगी, आपका टाइम लगेगा, दिन से रात होगी, आपका टाइम का पता नहीं चलेगा और आपको लिखना पड़ेगा, फिर भी आपको बीट्स सुननी पड़ेगी, तभी आपका कुछ होगा। क्योंकि यार कहीं ना कहीं आप क्या पता बहुत ही फ्रेशर हो, आपको कुछ भी मतलब ABCD नॉलेज ना हो म्यूज़िक की, इसलिए आपको इतना टाइम लग रहा है। क्योंकि कुछ लोग हैं उनको बिना कुछ सिखाए भी वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो आप लोगों की प्रॉब्लम का एक अच्छा सा सॉल्यूशन मैं फिर भी लेके आया हूँ, आप ज़रा उसको भी ध्यान से सुने। कि जब आप किसी, पहले तो मैं उनका बता दूँ कि जो रैप बीट्स के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो देखो भाई पहले तो आप अपने लिरिक्स को अच्छे ढंग से लिखो। शायद आपने अच्छे ढंग से ना लिखा हो इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप जो टाइम अपने काम को एक घंटा दे रहे हो, दो घंटे दो, ठीक है, अपने रैप लिरिक्स को लिखने के लिए, मतलब कि अपने रैप को परफॉर्म करने के लिए अपने जो लिरिक्स लिखे हैं उनको एक ऐसे स्ट्रक्चर में लिखो जो बीट टू बीट चले, टाइम लैप के अकॉर्डिंग चले, चार चार लाइन के हिसाब से हो, चाहे दो दो लाइन के हिसाब से भी हो, पर वो अच्छे राइम के अकॉर्डिंग कनेक्टेड होने चाहिए ताकि आप उसके अंदर अच्छे ढंग से परफॉर्म कर सको। कई लोग ये भी प्रॉब्लम आती है कि रैप बीट के ऊपर परफॉर्म करते हैं तो उनकी सांस फूल जाती है या और छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है। वो दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि आपके जो लिरिक्स है वो अच्छे ढंग से लिखे हुए नहीं हैं। तो आप अपने लिरिक्स को थोड़ा सा कट ऑफ करके बीट्स को ध्यान में देते हुए अच्छे ढंग से परफॉर्म करो, ना ज़्यादा टाइट रहे लिरिक्स, ना ज़्यादा स्ट्रेच रहे, और आपकी सांस भी नहीं फूलेगी और अच्छे ढंग से आप बीट्स के ऊपर परफॉर्म कर पाओगे। और बीट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, एक बीट नहीं, दूसरी बीट नहीं, तीसरी बीट नहीं, चेंज करते रहो और चेक करते रहो। हर बीट के अंदर आपको नए से नए तरीके पता लगेंगे कि इस बीट्स के अंदर मुझे किस ढंग से परफॉर्म करना है, तो आपको इसमें भी अच्छी हेल्प मिलेगी। और बीट्स जब आप सुनते हो तो आपने सुना होगा जब आप म्यूज़िक को सुनते हो धीरे से स्टार्ट होता है, फिर और ड्रम किट्स ऐड होने लग जाते हैं, म्यूज़िक, स्नेयर, बेस, किक, ये सब ऐड होता है, तो धीरे धीरे उसमें एक वजन आने लग जाता है, तो आपको पता लग जाता है कि यहाँ पर बीट चेंज हुई है या यहाँ पर इसके अंदर ये साइलेंट आ गया या कट ऑफ हो गया बीट, तो आपको पता होता है कि यहाँ पर इस ढंग से अपना फ्लो चेंज करना है। कई रैपर्स हैं वो अपना रैप जो परफॉर्म करते हैं तो लगातार परफॉर्म ही करते रह जाते हैं, तो थोड़ा सा मतलब लिरिक्स में अप डाउन करो। बेसिकली मैं अपने रैप को भी एक लंबे रैप बनाता हूँ तो मैं पूरा परफॉर्म मतलब करता हूँ उसके ऊपर, तो अच्छे ढंग से करना होता है उसको परफॉर्म, ताकि आपका आपके जो लिरिक्स है वो उसके ऊपर अट्रैक्ट करे, मतलब आधारित रहे और आपको ध्यान, आपका ध्यान खींचे, जो लोग सुनते हैं उनको लगना चाहिए कि जो बोल रहा है वो लगभग स्टोरी टाइप चलता जा रहा है। अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग रैप करना चाहते हो, जैसे कि बहुत मतलब स्टाइलिश, कहीं स्पीड कहीं पे कम ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसको थोड़ा सा बाद में कर लें, पहले आप सिंपल चीज़ करें, फिर जाके आपको आसानी रहेगी। अब बात करते हैं लिरिक्स कि लिरिक्स मतलब लिखे ही नहीं जा रहे हैं और फिर आपको बीट्स के ऊपर परफॉर्म भी करना है ऑब्वियसली, तो आप ध्यान दें कि आपको अगर लिरिक्स नहीं भी लिखे जा रहे हैं तो आपने यार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये सब तो सुना ही होगा, इसके अंदर है क्या? पोयम ही तो है, जब आप बचपन में याद कर सकते हो आज लिख भी सकते हो, तो आप उनको ध्यान दीजिए, आप उनको लिखें, लिखो या ना लिखो पर उन पोएम्स को ध्यान दो, उनको सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको बोलने की कोशिश करो, उसके ऊपर बीट्स के ऊपर परफॉर्म करो। पोयम बिल्कुल सही तरीके से लिखी होती है,
आपने बीट्स के ऊपर परफॉर्म करना है और मैं जानता हूँ आप बीट्स के ऊपर परफॉर्म भी कर पाओगे और आप अपने आप को पॉजिटिव फील करके परफॉर्म करो। आप यार ये मत सोचो कि यार इतने रैपर्स हैं मेरा कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि यार तुम रैप लिखने से पहले तो यही सोच लेते हो कि यार इतने सारे रैपर हैं यार मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं करूँ या ना करूँ, मैं सक्सेस बनूंगा या नहीं बनूंगा, या कुछ भी दिमाग में कुछ पहले ही प्रॉब्लम आ जाती है तो आप आगे क्या लिखोगे। और यार रैप के अंदर भी तुम यार ज़्यादा से ज़्यादा तो अपनी बीमारियाँ ही भर देते हो उसके अंदर कि यार मैं ऐसे था वैसे था। यार गाना बनाना है तो उसको थोड़ा से यार पार्ट में डिवाइड करके बोल दो अपनी बात यार, पूरा ही मतलब नेगेटिविटी मत फैलाओ, थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखाओ। आप खुद यार ट्राई करके देखो यार कि आप पॉजिटिव चीज़ बोलोगे तो लोग कितना अट्रैक्ट होते हैं, लोगों को पॉजिटिव ही पसंद है, नेगेटिव में कौन क्यों कोई जाना चाहेगा यार। तो यार यही मैं कहूँगा बीट्स वालों के लिए कि यार बीट्स ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, टाइम दो अपने काम को, और जो लिरिक्स जिनसे नहीं बनते वो पोएम सुनो यार, इससे इजी तरीका और क्या हो सकता है। पोएम सुनो, उसमें पता लगेगा आपको कि यार आप मतलब कहाँ मतलब कमी दिखा रहे हो, क्योंकि पोएम भी यार बेशक नर्सरी राइम्स है उसके अंदर, पर उसके अंदर सीखने वाली बहुत चीज़ें हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। क्योंकि यार जब बच्चा उसके अंदर परफॉर्म कर लेता है तो यार आप बड़े हो चुके हो, आपको और हैवी मैथमेटिक लिरिक्स आपको यार बोलने ज़रूरी है। तो अभी के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और जल्दी से जल्दी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना। और यार देखो अगर किसी को बुरा लगा है तो यार सॉरी, ठीक है, पर जो बात थी मैंने बोल दी, पर आपके भले के लिए ही है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो मैं इस तरह के और अपडेट्स डालता रहूँगा, क्योंकि यार आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी और वीडियोस बनाऊँगा, तभी जाके मेरा कुछ दिमाग चल पाता है। अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं यही सोचता रह जाऊँगा कि यार सब्सक्राइब क्यों नहीं हुए। तो यार सब्सक्राइब करो और लाइक कमेंट शेयर। आज के लिए बस इतना ही, ओके गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।